राधे राधे मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग लाया हूँ, झूठे रिश्ते। एक बार एक संत के पास एक युवक सत्संग सुनने के लिए आया। संत ने उससे हालचाल पूछा तो उसने स्वयं को अत्यंत सुखी बताया। वह बोला, मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों पर बड़ा गर्व है, मैं उनके व्यवहार से संतुष्ट हूँ। संत बोले, तुम्हें अपने परिवार के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। जहाँ तक माता पिता की सेवा और पत्नी बच्चों के पालन पोषण का संबंध है, उसे तो कर्तव्य समझकर करना ही है। उनके प्रति मोह या आसक्ति रखना उचित नहीं। युवक को संत की बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा, आपको विश्वास नहीं कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अत्यंत स्नेह रखते हैं? यदि मैं एक दिन घर ना जाऊं तो उनकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ जाती है, और पत्नी तो मेरे बिना जीवित भी नहीं रह सकती। संत बोले, तुम्हें प्राणायाम तो आता ही है। कल सुबह उठने के बजाय प्राणवायु मस्तक में खींचकर निश्चित पड़े रहना। मैं आकर सब कुछ देख लूंगा। दूसरे दिन युवक ने जैसा संत ने बताया था वैसा ही किया। युवक को मृत जानकर उसके सभी घर के लोग विलाप करने लगे। तभी संत वहां पहुंचे। घर के सभी सदस्य संत के चरणों में गिर गए। संत बोले, आप चिंता मत करें, मैं मंत्र से प्रयत्न कर इसे जिंदा कर देता हूँ, लेकिन कटोरी भर पानी परिवार के किसी अन्य सदस्य को पीना पड़ेगा। उस पानी में ऐसी शक्ति है कि यह तो जीवित को उठेंगे, लेकिन उस पानी को पीने वाला मर जाएगा। यह सुनने के बाद घर के सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को भी पानी पीने के लिए तैयार होता न देखकर संत ने कहा कि मैं ही इस पानी को पी लेता हूं। इस पर घर के सभी सदस्य बोले कि आप धन्य हैं, आप जैसे परोपकारी लोग बहुत कम पैदा होते हैं। युवक इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप सुन रहा था। उसे संत की बातों पर विश्वास हो गया। प्राणायाम कर वह उठ गया। यह देखकर घर के सभी सदस्य चौंक गए। युवक संत से बोला कि आपने मुझे नया जीवन दिया है, इस नश्वर संसार में कोई भी अपना नहीं है, अब मैं हरि भजन करूंगा, संसार में आसक्ति नहीं रखूंगा, अपना कर्तव्य समझकर माता पिता पत्नी और बच्चों का पालन करूंगा। जय जय श्री राधे।